हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 38 सॉल्व करेंगे, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। और इससे पहले भी बाकी प्रैक्टिस पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। जो आपको देखना है, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो लाइक तो आप अपने आप ही कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, लेकिन मुझे बस एक बार याद दिलाना है आपको। सो क्वेश्चन नंबर वन, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंटरोगेशन एंड एंजाइटी। इसमें हमें बताना है कि कौन सी सेंचुरी एज ऑफ इंटरोगेशन एंड एंजाइटी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, 20th सेंचुरी। देन सेकंड क्वेश्चन, विच रिवॉल्यूशन शेक मैंस फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन। तो कौन सा ऐसा रिवॉल्यूशन रहा है जिसने मैंस का जो फेथ है, जो उसका विश्वास है, उसको शेक मीन्स हिला दिया है इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ईयर इज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ मिडिल क्लास। तो कौन सा ऐसा ईयर है जिसको क्या किया गया, मार्क किया गया है एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की सुप्रीमेसी के एंड की स्टार्टिंग के रूप में, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन ये। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, 1900। देन क्वेश्चन नंबर फोर, इन हाउ मैनी फेजेज द मॉडर्न एज इज डिवाइडेड। मॉडर्न एज को कितने फेजेज में डिवाइड किया गया है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 3 फेजेज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज का पीरियड बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1901 to 1918। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच फेज इज नोन फॉर अनरेस्ट एंड एंजाइटी। तो कौन से फेज को अनरेस्ट एंड एंजाइटी के लिए जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट फेज। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, इन विच फेज द राइटर्स गेव अप आइडियलिज्म। और कौन से फेज में राइटर्स ने गेव अप होता है छोड़ना, आइडियलिज्म को छोड़ा। तो सेवन क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर ए, फर्स्ट फेज। देन क्वेश्चन नंबर एट, विच पीरियड वाज नोन एज सेकेंड फेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न लिटरेचर का हमें सेकेंड फेज बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ए, 1919 to 1945। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन विच फेज ब्रिटिश एम्पायर वाज डिकेइंग। कौन से फेज में ब्रिटिश एम्पायर का क्या हो रहा था, डिकेइंग हो रहा था, वो पतन हो रहा था उसका। तो नाइन क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सेकेंड फेज। क्वेश्चन नंबर टेन, विच फेज इज नोन फॉर वार्स। कौन सा फेज वार्स के लिए, मीन्स युद्ध के लिए जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, सेकेंड फेज। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच फेज इंडस्ट्री वाज डिवेलपिंग। कौन से फेज में इंडस्ट्री का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। तो 11 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, मींस ऑल ऑफ दीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सभी फेज में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम विच ईयर द थर्ड फेज स्टार्टेड। तो थर्ड फेज का स्टार्ट कौन से ईयर से हुआ था। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, 1945। देन 13 क्वेश्चन, हु वर द डोमिनेटेड पोइट्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री के हमें डोमिनेटेड पोइट्स बताने हैं यहाँ पे, कौन कौन हैं। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, बोथ ए एंड बी, मीन्स डब्ल्यू बी येट्स एंड टी एस एलियट, दोनों ही मॉडर्न पोइट्री के डोमिनेटेड पोइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच पोइट ऑफ मॉडर्न एज इज कॉल्ड ट्रेडिशनल। और मॉडर्न एज के कौन से पोइट को कहा जाता है मोर ट्रेडिशनल। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, डब्ल्यू बी येट्स।
देन 15 क्वेश्चन, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, डब्ल्यू बी येट्स का फुल नेम क्या है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, विलियम बटलर येट्स. देन 16 क्वेश्चन, हु रिवाइव्ड एंशिएंट आयरिश ट्रेडिशन, तो किसने एंशिएंट आयरिश ट्रेडिशन को रिवाइव किया था यहाँ पे? द करेक्ट आंसर अगेन बी डब्ल्यू बी येट्स. देन 17 क्वेश्चन, हु रोट द पोम द टावर, तो द टावर इज अ पोम और किसने लिखी है ये? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, डब्ल्यू बी येट्स. देन 18 क्वेश्चन, हु रोट द पोम द विंडिंग स्टेयर्स, द विंडिंग स्टेयर्स पोम किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी डी डब्ल्यू बी येट्स. देन 19 क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डब्ल्यू बी येट्स बिलोंग टू, तो डब्ल्यू बी येट्स जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, आयरलैंड. हु रोट द पोम द वेस्ट लैंड, तो वेस्ट लैंड इज अ फेमस पोम और किसने लिखी है ये? टी एस एलियट, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. 21 क्वेश्चन, इन विच ईयर द पोम द वेस्ट लैंड पब्लिश, और कौन से ईयर में वेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया था? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1922. 22 क्वेश्चन, हु रोट द पोम द हेलो मैन, तो द होलो मैन किसने लिखा है? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, टी एस एलियट. देन 23 क्वेश्चन, हु सेड दैट ही इज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन, तो ये स्टेटमेंट किसका है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, टी एस एलियट. 24 क्वेश्चन, हु अपीयर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री, सॉरी हु एप्रिशिएटेड मेटाफिजिकल पोइट्री इन मॉडर्न एज एंड रोट एन एसे मेटाफिजिकल पोइट्स, तो किसने एप्रिशिएट किया था मेटाफिजिकल पोइट्री को इन मॉडर्न एज? द करेक्ट आंसर विल बी ए टी एस एलियट. 25 क्वेश्चन, हु रोट द क्रिटिकल वर्क द सैक्रेड वुड, तो द सैक्रेड वुड किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, टी एस एलियट. देन 26 क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म किसने दिया था? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, टी एस एलियट. देन द यंगर जनरेशन ऑफ पोइट्स इज आइडेंटिफाइड विद, तो जो यंगर जनरेशन है पोइट्स की उसको किस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, डिप्रेशन. 28 क्वेश्चन, हु कंपोज द पोम द डबल मैन, तो द डबल मैन पोम किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, ओडेन. 29 क्वेश्चन, इन विच ईयर द पोम द डबल मैन पब्लिश्ड, तो कौन से ईयर में द डबल मैन पोम को पब्लिश किया गया था? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, 1914. अगेन 30 क्वेश्चन, हु रोट द पोम सिटी विदाउट वॉल्स, तो किसने ये पोम लिखी थी सिटी विदाउट वॉल्स? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ओडेन. 31 क्वेश्चन, हु रोट द पोम डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट नाइट गुड नाइट, तो ये जो पोम है ये किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, डायलान थॉमस. देन 32 क्वेश्चन, हु रोट द पोम एंड डेथ सेल हैव नो डोमिनियन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, डायलान थॉमस. 33 क्वेश्चन, हु रोट द पोम चर्च गोइंग, तो चर्च गोइंग इज अ पोम और उसे बताना है किसने कंपोज किया है इस पोम को? द करेक्ट आंसर विल बी ए. 34 क्वेश्चन, इन विच पोम दीज लाइन्स आर फाउंड, कौन सी पोम से ये लाइन्स ली गई हैं? हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रिवरेंस, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, चर्च गोइंग.
देन 35 क्वेश्चन, हु रोट द होक इन द रेन, तो किसने लिखा है द होक इन द रेन. 35 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, टेड हक्स. देन 36 क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड, तो ओड का हमें फीचर बताना है कौन सा है. द करेक्ट आंसर विल बी बी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जो ओड होता है वो एक एड्रेस की फॉर्म में होता है. 37 क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हु हैज रिटन पिंडारिक ओड्स इन इंग्लिश, तो कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोइट है जिसने पिंडारिक ओड्स लिखा है. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, थॉमस ग्रे. 38 क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ एन ओड टू हिमसेल्फ, तो ये एक ओड है, ओड टू हिमसेल्फ, और इसके पोइट कौन है. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, बेन जॉनसन. 39 क्वेश्चन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल ओड, तो ये क्लासिकल ओड की एक फॉर्म है और कौन सी है ये. द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, पिंडारिक ओड. 40 क्वेश्चन, ओड्स हैड ओरिजिनेटेड इन रिलीजियस सेलिब्रेशंस एंड वर परफॉर्म्ड एट, तो ओड्स जो हैं वो ओरिजिनेटेड हुए थे इन रिलीजियस सेलिब्रेशन, जो धार्मिक जो सेलिब्रेशंस होते थे उनसे ओड्स का उदय हुआ था. एंड वर परफॉर्म्ड एट, और उनको कहाँ पे परफॉर्म किया गया था. द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, फेस्टिवल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट ओकेशंस. 41 क्वेश्चन, ओड्स नॉर्मली इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग, तो ओड्स को किन किन चीज़ों में इंक्लूड किया गया है. द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स प्रेयर एंड प्रेज टू द गॉड्स, स्टोरीज और माइथ फ्रॉम द हीरोइक पास्ट, मॉरल मैक्सिम्स एंड पर्सनल रेफरेंसेस, ऑल ऑफ दीज, इन सभी में ओड्स को इंक्लूड किया गया है. 42 क्वेश्चन, अ लॉन्ग नैरेटिव इन वर्स इज कॉल्ड, तो जो लॉन्ग नैरेटिव जो पोम होती हैं उसको क्या बोलेंगे. द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, एपिक. देन 43 क्वेश्चन, रामायणा एंड महाभारता आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो रामायण और महाभारत किस चीज के एग्जाम्पल हैं. द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, एपिक. 44 क्वेश्चन, डैश एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द एपिक, तो एलिमेंट बताने हैं हमें एपिक के, कि कौन कौन से एलिमेंट्स एपिक के पार्ट हैं. द करेक्ट आंसर विल बी सी, सुपर नेचुरल, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द एपिक. देन 45 क्वेश्चन, एलिट्रेशंस एंड अदर वर्बल डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेक द लिरिक, तो एलिट्रेशन और अदर जो वर्बल डिवाइसेस हैं, सो दे आर यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेक द लिरिक, तो इनको लिरिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो कौन कौन से ऐसे इसमें डिवाइसेस हैं. द करेक्ट आंसर विल बी ए, म्यूजिकल. 46 क्वेश्चन, द कवेलियर पोइट आर ग्रेट लवर्स ऑफ, तो जो कवेलियर पोइट्स थे वो किस चीज के लवर्स थे. द करेक्ट आंसर इज सी, नेचर. 47 क्वेश्चन, अमंग द रोमांटिक लिरिक द वर्क ऑफ डैश रिमेन अनएक्सेल्ड, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, शेली. 48 क्वेश्चन, डैश इज और आर अ ग्रेट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, तो इनमें से हमें राइटर्स बताने हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के, किसको ग्रेट राइटर बोला जाता है. द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, बोथ ए एंड बी, टेनिसन एंड ब्राउनिंग बोथ. देन 49 क्वेश्चन, लिरिक प्रोस्पाइस इज रिटन बाय, तो जो लिरिक है प्रोस्पाइस ये किसने लिखी है. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ब्राउनिंग, तो ये हमारे एलटी के सिलेबस में भी है. देन 50 क्वेश्चन, द फॉलोइंग MCQs आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ यहाँ MCQs लिए गए हैं. सो 50 क्वेश्चन, वाट वर्ड्स डज साइलोक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस, तो इसमें बताना है साइलोक के जो वर्ड्स बोले थे बाद में वो कौन से हैं.
द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर आई एम नॉट वेल। जो कोर्ट की जो सेंटेंस थी, जो सजा थी, उसको जब साइलोग को सुनाया गया तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद साइलोग ने ये वर्ड्स बोले थे, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। 51 क्वेश्चन, व्हाट डज बसानियो ऑफर द यंग लो क्लर्क हु सेव्स एंटोनियो। तो एंटोनियो की जिसने लाइफ को प्रोटेक्ट किया था वो पोर्सिया थी, डिस्क्वाइज बेस में थी, उसका नाम क्या था, बाल्थजार। तो बाल्थजार को क्या ऑफर किया था बसानियो ने। द करेक्ट आंसर विल बी डी, द 3000 ड्यूसेट्स ओरिजिनली ड्यू टू साइलोक। 52 क्वेश्चन, व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्सिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंड। तो लोरेंजो क्या ऑर्डर देता है जब उसको पता लगता है कि पोर्सिया क्या है, बेलमोंट के रास्ते में है, मीन्स बेलमोंट आ रही है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, म्यूजिक। 53 क्वेश्चन, व्हाट डज पोर्सिया वो टू डू व्हेन सी लर्न्स दैट बसानियो नो लॉन्गर हैज द रिंग सी गेव हिम। तो पोर्सिया क्या प्रतिज्ञा लेती है जब उसको पता लगता है कि बसानियो के पास वो रिंग नहीं है जो कि पोर्सिया ने बसानियो को दी थी। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, मेक हर हस्बैंड अ कुकॉल्ड। 54 क्वेश्चन, व्हाट न्यूज डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेज एंड। एंटोनियो ने कौन सी न्यूज जब मिली थी एंटोनियो को प्ले के एंड में। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वर लॉस्ट हैव अराइव्ड इन पोर्ट। मीन्स एंटोनियो की जो शिप थी जो लॉस्ट हो गई थी वो क्या हुआ है, वापस आ गई है पोर्ट पर। 55 क्वेश्चन, व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर्स फादर प्रोफेशन। विलियम शेक्सपियर के फादर का प्रोफेशन बताना है हमें, क्या थे वो। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ग्लव मेकर। 56 क्वेश्चन, व्हाट टाइटल डिड जेम्स बेस्टो अपॉन शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी। तो शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी थी उसको किंग जेम्स ने क्या टाइटल दिया था। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, किंग्स मैन। 57 क्वेश्चन, दिस प्ले कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट डैश कैरेक्टर बट इट इज अनक्लियर इफ शेक्सपियर शेयर्ड दिस व्यू। तो इसमें देखना है कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। ये जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें कैसे कैरेक्टर्स को यूज किया गया है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एंटी सिमेटिक। 58 क्वेश्चन, दिस प्ले कंटेन्स शेक्सपियर्स फर्स्ट ग्रेट हीरो। तो कौन से प्ले में शेक्सपियर का फर्स्ट ग्रेट हीरो दिखाया गया है। द प्ले कंटेन्स शेक्सपियर्स फर्स्ट ग्रेट डैश हीरो। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है उसमें शेक्सपियर का फर्स्ट ग्रेट और कैसा हीरो है, हीरो बताना है यहाँ, तो फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि इससे पहले जितने भी थे मेल कैरेक्टर को हीरो बनाया जाता था, लेकिन इस प्ले में फर्स्ट टाइम शेक्सपियर ने फीमेल कैरेक्टर को एज अ हीरो प्रेजेंट किया है। 59 क्वेश्चन, व्हाई डज बसानियो नीड अ लोन। बसानियो को लोन की जरूरत क्यों थी। द करेक्ट आंसर ए, टू कोर्ट एन हेयरेस। देन 60 क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज साइलोक ऑफर टू लैंड बसानियो। साइलो कितनी मनी ऑफर करता है बसानियो को देने के लिए। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, 3000 ड्यूकेट्स। 61 क्वेश्चन, हु डज साइलोक्स डॉटर जेसिका प्लान टू इलोप विद। तो साइलो की जो डॉटर है हुज नेम इज जेसिका, और वो किसके साथ भागने का प्लान बनाती है। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, लोरेंजो। 62 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया सूटर्स मस्ट चूज वन ऑफ थ्री कैस्केट्स। सो व्हाट इज द करेक्ट कैस्केट मेड ऑफ। तो जो पोर्सिया है उसके फादर जो किंग थे
उन्होंने 3 कैस्केट्स रखे थे और उनमें से जो भी सूटर करेक्ट कैस्केट को चूज करेगा उससे पोर्सिया की शादी होनी थी। तो इसमें हमें बताना है 3 कैस्केट्स में करेक्ट जो कैस्केट था वो किस चीज़ से बना हुआ था। द करेक्ट आंसर विल बी बी लेड, मीन्स वो लकड़ी से बना हुआ था। 63 क्वेश्चन, व्हाट डज पोर्सिया गिव बसानियो एज अ टोकन ऑफ हर लव। तो पोर्सिया ने बसानियो को क्या दिया था अपने लव के टोकन के रूप में। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर अ रिंग। 64 क्वेश्चन, व्हाट डज साइलोक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर द लोन। तो साइलोक ने क्या डिमांड किया था कि एंटोनियो जो है किस चीज को देगा लोन के बॉन्ड के रूप में, कि अगर वो सही टाइम पर लोन को नहीं चुका पाया तो उसको क्या चीज़ देनी पड़ेगी। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर अ पाउंड ऑफ फ्लैश। तो उसने बोला था अगर सही टाइम लिमिट तक वो उसका लोन नहीं चुका पाएगा तो उसको अपने बॉडी से 1 पाउंड क्या देना होगा, फ्लैश देना होगा। 65 क्वेश्चन, हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द प्ले। और पूरे प्ले में सबसे ज़्यादा जो होशियार कैरेक्टर है वो कौन है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर पोर्सिया। 66 क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स एंटोनियो। तो एंटोनियो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बतानी है यहाँ पे हमें। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर मर्क्यूरियल। 67 क्वेश्चन, हाउ डज ग्रेसियानो बिहेव टूवर्ड्स साइलोक। तो ग्रेसियानो कैसा बिहेव करता है साइलोक के लिए। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर इंसल्टिंग एंड क्रिटिकल। 68 क्वेश्चन, हु प्रेसाइड्स ओवर एंटोनियोज ट्रायल। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर द ड्यूक ऑफ वेनिस। 69 क्वेश्चन, हाउ डू मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब साइलोक। तो जितने भी आलोचक हैं मोस्टली उन्होंने साइलोक को कैसा डिस्क्राइब किया है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर देयर इज नो कंसेंसस। सो कंसेंसस क्या होता है, आत्म सहमति। देन 70 क्वेश्चन, विच इमेज अपीयर्स इन एल एलिग्रो। तो एल एलिग्रो में कौन सी इमेज को दिखाया गया है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर टावर। हाउ मैनी लाइन्स इज द प्रेल्यूड टू एल एलिग्रो। तो प्रेल्यूड से एल एलिग्रो में कितनी लाइन्स ली गई हैं, सॉरी हाउ मैनी लाइन्स इज द प्रेल्यूड टू एल एलिग्रो। तो एल एलिग्रो से प्रेल्यूड में कितनी लाइन्स ली गई हैं। द करेक्ट आंसर विल बी सी 10 लाइन्स। विच फॉर्म डज मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन द राइम स्कीम ऑफ द प्रेल्यूड। तो राइम स्कीम बतानी है प्रेल्यूड में, कौन सी राइम स्कीम ली गई है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज सी सोनेट। 73 क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ एल एलिग्रो इज रिटन इन। तो एल एलिग्रो की जो मेजोरिटी है मीन्स कौन से किस चीज में कौन सी इसमें विधा का यूज हुआ है ये हमें यहाँ बताना है। कपलेट्स, लिरिक्स, सोनेट और ओटावा रीमा। तो कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज किया गया है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर कपलेट्स। 74 क्वेश्चन, द पनिशमेंट अनाउंस्ड बाय द जूरी फॉर फाल्डर इज। तो फाल्डर को जो सजा सुनाई गई थी वो बतानी है यहाँ पे क्या थी। सो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर, पेनल सर्विट्यूड फॉर 3 ईयर्स इंक्लूडिंग सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो उसको 3 साल की सजा सुनाई गई थी। 75 क्वेश्चन, हु वॉज द जस्टिस फॉर द केस ऑफ फाल्डर इन द कोर्ट। तो जस्टिस बताना है हमें कौन था। द करेक्ट आंसर इज ए मिस्टर जस्टिस फ्लोड। 76 क्वेश्चन, हु वॉज द कैप्टन इन द प्रिजन। तो प्रिजन जो थी उसमें कैप्टन बताना है हमें, कैप्टन ही है ये, नहीं सॉरी
चैपलेन, तो हु वॉज द चैपलेन इन द प्रिजन, तो प्रिजन में चैपलेन बताना है कौन था। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर ह्यूज मिलर। 77 क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द एलिगोरिकल नोवेला एनिमल फार्म 1948 एंड द डिस्टोपियन नोवेल 1949। सो किसने लिखा है ये एनिमल फार्म? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर जॉर्ज ऑरवेल। 78 क्वेश्चन, हु इज फेमस फॉर द मैक्सिम्स ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड, फोर लेग्स गुड टू लेग्स बेटर। द करेक्ट आंसर विल बी ए जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल का जो वर्क है एनिमल फार्म, वहाँ से ये लाइन ली गई है। 79 क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल नोटोरियटी फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स विच बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर द एलिजाबेथन एरा, द क्रिटिक्स लेटर रेफर्ड इट एज माइटी लाइन। द करेक्ट आंसर विल बी सी क्रिस्टोफर मार्लो। 80 क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द फॉलोइंग ट्रेजिडीज, तो किसको इन ट्रेजिडीज के लिए माना जाता है, किसने लिखी है ट्रेजिडीज? डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, टेम्बरलिन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस एंड एडवर्ड द सेकंड। तो ये जो सभी ट्रेजिडीज हैं ये किसने लिखी हैं? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर क्रिस्टोफर मार्लो। 81 क्वेश्चन, हु इज द वाइट डेविल 1609 to 1612 एंड द डचेस ऑफ माल्फी पब्लिश्ड 1623 आर जनरली रिगार्डेड एज द पैरामाउंट 17th सेंचुरी इंग्लिश ट्रेजिडीज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफ शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर जॉन वेबस्टर। 82 क्वेश्चन, विच प्ले इज रिटेलिंग ऑफ द इंट्रीग्स इन्वॉल्विंग विक्टोरिया एको रैम्बनी एन इटालियन वीमेन assassinated at the age of 28 and was a failure when staged at the Red Bull Theatre in 1612 being too unusual and intellectual for its audience. The correct answer will be A here, the White Devil. 83 question, All for Love or The World Well Lost is a 1677 heroic drama by whom? तो किसने लिखा है ये heroic drama? The correct answer will be D here, John Dryden. 84 question, which work is an acknowledged imitation of Shakespeare's Antony and Cleopatra and focuses on the last hours of the lives of its hero and heroine? The correct answer is A, All for Love. 85 question, Cato, a tragedy is a play written by Dace in 1712 and first performed on 14th April 1673. So Cato ek tragedy hai, tragedy play hai, aur ye kisne likha hai ye hame batana hai yahan pe. The correct answer will be A, जोसेफ एडिसन। 86 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज अ प्रोलॉग रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड एन एपिलॉग बाय सैमुअल गार्थ, तो कौन सा ऐसा प्ले है इनमें से जिसमें एक प्रोलॉग अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ और एक एपिलॉग सैमुअल गार्थ के द्वारा लिखा हुआ इसमें है? द करेक्ट आंसर इज ए, ऑल फॉर लव। 87 क्वेश्चन, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले रिटन बाय द इंग्लिश प्ले राइट, तो किसने लिखा है द वे ऑफ द वर्ल्ड? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, विलियम कॉन्ग्रीव। 88 क्वेश्चन,
विच प्ले हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मिराबेल मिलामेंट लेडी विस्फोर्ट एंड सर विलफुल एक्सेट्रा द करेक्ट आंसर इज ए द वे ऑफ द वर्ल्ड 89 क्वेश्चन हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 हिज पास्टोरल पोम द डेसर्टेड विलेज 1770 एंड हिज प्लेज द गुड नेचर्ड मैन 1768 एंड सी स्टोप्स टू कंक्वायर 1771 फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773। तो ये सब नॉवेल्स दी हुई हैं, तो बताना है किसने लिखी हैं ये। द करेक्ट आंसर इज ए ओलिवर गोल्डस्मिथ। सो 90 क्वेश्चन हु इज थॉट टू हैव रिटन द क्लासिक चिल्ड्रंस टेल द हिस्टोरिक ऑफ लिटिल गुडी टू सोज 1765। तो कौन है इनका ऑथर। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर ओलिवर गोल्डस्मिथ। 91 क्वेश्चन द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन बाय डैस एंड वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंडन एट ड्रूई लेन थिएटर ऑन 8 May 1777। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर रिचार्ड ब्रिंसले सैरिडेन। 92 क्वेश्चन विच प्ले हैज द फॉलोइंग पॉपुलर कैरेक्टर्स सर पीटर टीजल लेडी टीजल सर ओलिवर सरफेस जोसेफ सरफेस चार्ल्स सरफेस मारिया लेडी स्नीरवेल सर बेंजामिन एंड बैकबाइट। तो देखिए ये सारे कैरेक्टर्स बताने हैं कौन से प्ले से लिए गए हैं। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर द स्कूल फॉर स्कैंडल। 93 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट वॉज मोर फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड रोड द पॉपुलर वर्स ड्रामाज स्ट्रेटफोर्ड 1837 पीपा पैसिस 1841। तो कौन ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस विक्टोरियन इंग्लिश पोइट है ये बताना है यहाँ पे हमें। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर रॉबर्ट ब्राउनिंग। 94 क्वेश्चन हु इज बेस्ट नोन फॉर द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पोर फायरियाज लवर माई लास्ट डच इज द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन रबी बेन इजरा इवेलिन होप एंड फरा लिपो लिपी द लॉस्ट लीडर एंड प्रोस्पाइस। तो ये सब जो वर्क हैं ये किसने लिखे हैं। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर रॉबर्ट ब्राउनिंग। 95 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर एज अ पोइट प्ले राइट एसेइस्ट मोरलिस्ट क्रिटिक बायोग्राफर एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर। तो ऐसा हमें इंग्लिश राइटर बताना है जिसकी सभी ये क्वालिटीज हैं। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर सैमुअल जॉनसन। ये जो लेक्सिकोग्राफर यहाँ दिया हुआ है लेक्सिकोग्राफर मींस द राइटर ऑफ डिक्शनरी जिसने डिक्शनरी को लिखा है। तो सैमुअल जॉनसन ने ही डिक्शनरी को लिखा था। 96 क्वेश्चन पब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 1755 अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय। तो 15 अप्रैल देखिए दो क्वेश्चन यहाँ हमें मिल गए हैं, एक तो डिक्शनरी को किसने लिखा था। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर सैमुअल जॉनसन। और दूसरा क्वेश्चन है कब लिखा था, तो इसको डिक्शनरी को पब्लिश किया गया था 15 अप्रैल 1755। तो आजकल तो हम फ़ोन से सब चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन पहले टाइम पे जब ये वाले फ़ोन अवेलेबल नहीं थे एंड्रॉयड फ़ोन, तब हम डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे किसी भी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए। 97 क्वेश्चन लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट 1779-81 अल्टरनेटिवली नोन बाय द शॉर्टर टाइटल लाइफ्स ऑफ द पोइट्स इज अ वर्क बाय डैस कंप्राइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज एंड क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ 52 पोइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी सैमुअल जॉनसन। 98 क्वेश्चन
विच इंग्लिश राइटर एंड प्यूरिटन प्रीचर इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्रिश्चियन एलिगरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस। तो 98 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी जॉन बनियन। तो जॉन बनियन का ही ये वर्क है, ये ग्रेट एलिगरी है द पिलग्रिम प्रोग्रेस। 99 क्वेश्चन ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर और अ ब्रीफ रिलेशन ऑफ द एक्सीडिंग मर्सी ऑफ गॉड इन क्राइस्ट टू हिज पुअर सर्वेंट जॉन बनियन इज अ प्यूरिटन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। द करेक्ट आंसर विल बी बी जॉन बनियन। 100 क्वेश्चन विच ऑथर इज नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। तो किसका सिडोनिम है ये जॉर्ज ऑरवेल। द करेक्ट आंसर इज ए एरिक आर्थर ब्लेयर। देन 101 द यंग वन ऑफ अ कैट। तो कैट के बेबी को क्या बोलेंगे। द करेक्ट आंसर इज सी किटन। 102 द प्लूरल ऑफ एल्यूमनस। तो एल्यूमनस का हमें प्लूरल बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी सी एल्यूमनी। देन फाइंड द एरर पार्ट हेयर। 20 माइल्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ रैपिड ट्रेवल। तो इसमें एरर पोर्शन देखना है कौन सा है। द करेक्ट आंसर विल बी बी। अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज 20 माइल्स और 20 माइल्स को हमने एक यूनिट के रूप में यूज किया है तो यहाँ पे आर के प्लेस पे हमें इज का यूज करना पड़ेगा तो इसके बी पार्ट में एरर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 104 द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर नॉट वेरी हाई नो एरर। सो 104 द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर। इसके सी पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ द परसेंटेज दिया हुआ है जो इसका सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ आर के प्लेस पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा तो सी पोर्शन में एरर है इसके। देन 105 द टीचर विद हिज टू सन्स इज गोइंग रिसर्च दीज डेज। सो इसमें एरर पार्ट हमें फाइंड आउट करना है तो देख लेते हैं। द टीचर इसका सब्जेक्ट है और जो विद हिज टू सन्स इसके साथ दिया हुआ है जब यहाँ विद हिज टू सन्स विद के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है तो हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो द टीचर इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज हुआ है तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। 106 ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज लर्नड नथिंग देयर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर बट ही हैज। यहाँ देखिए यहाँ पे पास्ट का यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट का यूज हुआ है। जब इधर पास्ट का यूज होता है एक क्लोज में और दूसरे में हमें पास्ट का ही यूज करना पड़ता है इसलिए हमारे सी पार्ट में एरर है। 107 हिज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हिज फेलिंग। देन 108 क्वेश्चन देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर ब्रेक्स अप। तो देखिए ब्रेकअप का यूज नहीं होना है यहाँ पे। जब भी कोई चीज अचानक से स्प्रेडली मीन्स चारों तरफ फैल जाती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ब्रेकअप का यूज गलत किया गया है तो इसके सी पोर्शन में एरर है। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर वी रेयरली सी अ लायन। Then, following sentences have been transformed as per direction given in their brackets. Choose the correct sentences from the choice given. तो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसके
इसको हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इनडोर्स, तो इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, और सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नहीं कहेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इनडोर्स। तो यहाँ देखिए वी सब्जेक्ट है और स्टेड वर्ब है, तो एक ही सब्जेक्ट का यूज हुआ है, एक ही वर्ब का यूज हुआ है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। देन 111 ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। द करेक्ट आंसर विल बी हियर, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारा यहाँ प्रिंसिपल क्लोज हो गया है और दूसरा हमारा यहाँ से सबॉर्डिनेट क्लोज हो गया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 112 वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम, तो जो रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको क्या बोलेंगे। द करेक्ट आंसर इज ए हियर, रेडियो जॉकी। 113 एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स, जो एनिमल्स और बर्ड्स जो है ग्रुप में बनाकर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो वन वर्ड है ये, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस क्या होता है, समूह में रहने वाले एनिमल्स या बर्ड्स। 114 द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और टॉम्ब टिपिकली विद फ्यूनरल राइट्स, तो जो कॉर्प्स होती है, जो शव होती है, उसको जो दफनाया जाता है इन अ ग्रेव और इन अ टॉम्ब विद फ्यूनरल राइट्स, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, क्या एक वर्ड होगा। द करेक्ट आंसर इज ए, इंटरमेंट। 115 एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ अ प्लांट टू अ मिनिएचर फॉर्म हैविंग अ नेचुरल लुक ऑफ ओल्ड एज, द करेक्ट आंसर इज ए, बोनजाई। देन अनसीन पैसेज, सो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको भी, और आपको यदि ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। द चीफ कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस देन बेरिंग सर्टेन फिजिकल प्रीरिक्विजिट्स इज द लाइफ ऑफ रीजन द स्पेसिफिक ग्लोरी एंड पावर ऑफ मैन वर्च्यू और रादर एक्सीलेंस विल डिपेंड ऑन क्लियर जजमेंट सेल्फ कंट्रोल सिमेट्री ऑफ डिजायर आर्टिस्ट्री ऑफ मीन्स सॉरी आर्टिस्ट्री ऑफ मीन्स इट इज नॉट द पजेशन ऑफ द सिंपल मैन नॉर द गिफ्ट ऑफ इनोसेंट इंटेंट बट द अचीवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इन द फुली डिवेलप्ड मैन येट देयर इज अ रोड टू इट अ गाइड टू एक्सीलेंस विच मे सेव मैनी डेटोर्स एंड डिलेज इट इज द मिडिल वे द गोल्डन मीन द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर कैन बी अरेंज्ड इन ट्राइड्स इन ईच ऑफ विच कैन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वालिटीज विल बी एक्सट्रीम एंड वाइसिस एंड द मिडिल क्वालिटी अ वर्च्यू और एन एक्सीलेंस सो बिटवीन कावर्डाइस एंड रैशनेस इज करेज बिटवीन स्लोथ एंड ग्रीड इज एम्बिशन बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड प्राइड इज मोडेस्टी बिटवीन सेक्रेसी एंड लोक्वेसी इज ओनेस्टी बिटवीन क्वेरलसमनेस एंड फ्लैटरी इज फ्रीडम सॉरी फ्रेंडशिप बिटवीन हैमलेट्स इनडिसिसिवनेस एंड ओन क्यूक्सॉट्स इम्पल्सिवनेस इज सेल्फ कंट्रोल द राइट इन एथिक्स और कंडक्ट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राइट इन मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग इट मीन्स करेक्ट फिट व्हाट वर्क्स बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स। अब इसका जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का हमें मेन आइडिया बताना है यहाँ। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ। 117 व्हाट इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का हमें इम्प्लाइड मीनिंग बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी, सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी।
118 द ऑथर हैज नोट सेड, तो ऑथर ने इसमें से क्या नहीं कहा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, करेज इज द मिडिल पाथ ऑफ इंडिसिसिवनेस एंड इम्पल्सिवनेस। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मिडिल पाथ ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, द करेक्ट आंसर इज डी सीक्रेसी। 120 हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द राइटर ऑफ ईदर हैमलेट और डॉन क्विक्सोट, तो इनमें से कौन सा राइटर हैमलेट या डॉन क्विक्सोट का नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ए बेन जॉनसन। 121 हु इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम लुइस कैरोल, द करेक्ट आंसर इज ए चार्ल्स लुडविग डॉगसन। 122 हु इज नोन बाय हर और हिज पेन नेम विक्टोरिया ल्यूकास, द करेक्ट आंसर इज सी सिल्विया प्लाथ। 123 हु पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम एलिस बेल, तो एलिस बेल के नाम से किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर इज बी एमिली ब्रोंटे। 124 विच ब्रिटिश ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट इज नोन बाय हर पेन नेम जेके रोलिंग, तो कौन सा ऑथर या फिलैंथ्रोपिस्ट को उसके पेन नेम के नाम से जाना जाता है? जेके रोलिंग के नाम से। द करेक्ट आंसर इज सी जॉन रोलिंग। 125 विच ब्रिटिश ऑथर रोट कॉर्मोरन स्ट्राइक एन ऑनगोइंग क्राइम फिक्शन सीरीज अंडर हर पेन नेम रॉबर्ट गैलब्रेथ, द करेक्ट आंसर इज सी जॉन रोलिंग। सो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस के लिए नहीं था, बल्कि इसमें काफ़ी ऐसे नए क्वेश्चन थे जो हमें चुपचाप से लर्न कर लेने हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो के बेनिफिट्स मिल सकें। अगर चैनल की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ पे ऊपर टाइप कर देना सर्च में MSTGT PGT English, और वहाँ से आपको सारी की सारी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।